संदीप किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर टिक्का की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रेसिपी है और खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी पनीर टिक्का की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने चकोर आकार में काट लिया है। शिमला मिर्च ली है, जिसको मैंने डाइस आकार में काट लिया है। प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने डाइस आकार में काट लिया है। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे गाढ़ी दही का यूज किया है। बटर लिया है बनाने के लिए। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया है। 2 बड़े चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है और ये बाद में सजावट के लिए। यहाँ पे तिलियां मैंने ली हैं, जिनको मैंने पानी में डाल के रखा है, जब बनाएं ये जले ना। और कुकिंग ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, सॉल्ट स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून ली है, 1.5 चम्मच मैंने भूरा हुआ जीरा लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दही ले गए। उसके बाद इसमें नींबू का रस डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ में हम अपने सारे मसाले डाल देंगे। कसूरी मेथी को मैं यहाँ पे क्रश करके डाल रही हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें बेसन को डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए, लेकिन ये बैटर बहुत गाढ़ा लग रहा है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच दही को डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और आपने यहाँ पर ही नमक मिर्च को टेस्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें नमक मिर्च दोबारा से ऐड नहीं कर सकते। मसालों का अच्छा मिक्सर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको खटास कम लगे तो आप इसमें नींबू बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज के डाइस डालेंगे, शिमला मिर्च के डालेंगे और पनीर के डालेंगे और इसको हाथ से अच्छे से सॉफ्टली कोट कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे सब पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और आप इसको अगर 1-2 घंटे के लिए रखेंगे तो इसका और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालना है। सॉरी दोस्तों, ये मैं आपको बताना भूल गई, ये इस मिक्सचर में ही डलेगा। अब इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। 1/2 घंटा हो चुका है, सब मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आप इसमें टमाटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाला क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अब हम इसको स्टिक में अरेंज करेंगे। इस तरह से हम सारी स्टिक्स अरेंज कर लेंगे।
पनीर टिक्का स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इसको तवे पर बनाएंगे। सबसे पहले हम तवे पर बटर को अच्छी तरह से फैला देंगे। उसके बाद हम पनीर टिक्का की स्टिक्स रख देंगे। बटर में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम इसको बहुत ही मध्यम आंच पर सेक रहे हैं। इसको साथ साथ पलटते रहिए। देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। देखिए पनीर टिक्का सभी साइड से पककर तैयार हो चुका है। पनीर को हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे वरना ये टूट जाएगा। गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसको हम निकालेंगे। वाओ वाओ, देखिए हमारा पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया है। अब हम पनीर टिक्के पर चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा नींबू भी इस पे छिड़।